ये बात है 15 जनवरी 2009 की, जब यूएस की एयरबस फ्लाइट 1549 ने शार्लेट डगलस एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। इस एरोप्लेन में 155 पैसेंजर सहित क्रू मेंबर सवार थे। टेक ऑफ के करीब एक मिनट बाद प्लेन 2818 फीट की एल्टीट्यूड पे पहुंच गया, लेकिन ठीक इसी समय कनाडा गूज की प्रजातियों का एक झुंड प्लेन से आ टकराया। इस बर्ड स्ट्राइक के कुछ ही देर बाद प्लेन के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया। लगभग 19 सेकंड तक क्लाइम करने के बाद अब प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगा, लेकिन प्लेन के करंट एल्टीट्यूड के हिसाब से प्लेन को वापस एयरपोर्ट तक ग्लाइड करवाना असंभव था। प्लेन जब 1650 फीट की ऊंचाई पे आ गया तब पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कॉन्टेक्ट किया और उन्हें बोला कि हम हडसन रिवर में क्रैश लैंडिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों, बर्ड स्ट्राइक करने के ठीक 4 मिनट बाद ही प्लेन ने हडसन रिवर के बीच में 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडिंग की। और सबकी खुशकिस्मती तो ये रही कि प्लेन लैंडिंग के बाद रिवर में तैरने लगा और तैनात रेस्क्यू टीम द्वारा सबको मौके पर ही रेस्क्यू कर लिया गया। दोस्तों, पायलट के सूझबूझ ने सैकड़ों लोगों की जान बचा ली।